हम लोग पढ़ेंगे बेरग्नोस थ्योरम। बेरग्नोस थ्योरम क्या होता है तो पढ़ते हैं। द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ ए सिंगल फोर्सेस रिजल्टेंट ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस। तो इसमें सबसे पहले बात है मोमेंट का। अगर मोमेंट समझ गए तो बेरग्नोस थ्योरम तुरंत समझ जाइएगा। जैसे मोमेंट इक्वल टू होता है ये वह टॉर्क, मोमेंट को टॉर्क साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है ये कोई फिक्स पॉइंट है, कोई ये ऑब्जेक्ट है और ये कोई फिक्स पॉइंट है और ये घूम सकता है और इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ये बस ये इस पर अगर फोर्स लग रहा है तो ये घूमेगा ना कि आगे की ओर जाएगा, ये घूमेगा। और इस टर्निंग इफेक्ट को हम मोमेंट कहते हैं और इस बेरग्नोस थ्योरम मोमेंट पर ही काम करना है। तो इसमें होता क्या है, कह रहा है द सम ऑफ मोमेंट ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस। यदि हम यहाँ पे कोई एक सिंगल फोर्स लगा रहे हैं, इस पे यदि हम कोई सिंगल फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं इसको हम रिजल्टेंट कहते हैं, मेन फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, इसका 20 न्यूटन लगा रहे हैं, मान लेते हैं 20 न्यूटन लगा रहे हैं यहाँ। कह रहा है इस फोर्स द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ द कंपोनेंट फोर्स विल बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ सिंगल फोर्स रिजल्टेंट ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस। ये जो फोर्स है ये इक्वल होगा किसका, इसका जो एक कंपोनेंट होगा। इस फोर्स को मान लेते हैं हम इसको तोड़ करके 10 न्यूटन और इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इस दोनों के कारण जो इस पे मोमेंट होगा, इस दो दो फोर्स के कारण इस पे दो आदमी एक इधर से लगा रहा है एक इधर से फोर्स लगा रहा है, एक ही जगह पे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है दो आदमी। और इसमें जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो इक्वल होगा किसका, कोई एक आदमी होगा मोटा हट्टा कट्टा आदमी जो इस पे फोर्स लगाएगा 20 न्यूटन का, ये इक्वल होगा इसके जो जो कंपोनेंट फोर्स होगा, कंपोनेंट इसका कंपोनेंट दो फोर्स मान लेते हैं, इसका ये जो कंपोनेंट है इसका, इसके कारण जो टर्निंग इफेक्ट होगा इसमें इस दो आदमी के कारण, वो एक सिंगल फोर्स जो होगा उसको कहते हैं रिजल्टेंट, उस फोर्स के कारण जो होगा टर्निंग इफेक्ट दोनों इक्वल होगा। इसी चीज़ को बेरग्नोस थ्योरम में प्रूव करना है। सपोज करते हैं ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर फिक्स है और इधर से हम फोर्स लगाएंगे इस पर, ये मेरा एक कोई ऑब्जेक्ट है और इधर से फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है ठीक है और इस पर हम कोई फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स लगा, ये मेन फोर्स हुआ, दो फोर्स एफ आर रिजल्टेंट, या इस फोर्स का नाम हम पी रख लेते हैं पी, और इसका ये मेन फोर्स हुआ, मान लेते हैं ये दो अलग फोर्स हुआ इसका कंपोनेंट, ये फोर्स अलग लग रहा है, ये बाद में मान लीजिए लग रहा है, ये दोनों पहले लग रहा है, या पहले ये लग रहा है ये दोनों बाद, पी क्यू आर, और इसका एक्सिस हो गया वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये एक्सिस मान लेते हैं एक्सिस, इसको अभी रहने देते हैं, पहले इसको समझते हैं, एक्सिस मान लेते हैं ठीक है। ये कोई यहाँ फिक्स है और ये कोई पॉइंट है जहाँ से हमको फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे पी और इस दोनों का कंपोनेंट है आर, या तो हम ये सिर्फ पी लगा रहे हैं या तो हम पी क्यू आर लगा रहे हैं या तो सिर्फ पी लगा रहे हैं, और एक सिंगल फोर्स के कारण इस पे क्या मोमेंट होता है ये मेन फोर्स, या इस दोनों फोर्स के कारण इस पे कितना मोमेंट होगा, इस दोनों का रिजल्टेंट यानी पी ही होता है इसका, और इसका जो सम होगा इसके इसका क्यू और आर के कारण जो इस पे मोमेंट प्रोड्यूस होगा, सिंपल पी के कारण भी वही मोमेंट प्रोड्यूस होगा इस पॉइंट का, इस पॉइंट का कुछ नाम रख लेते हैं, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एस और इसको ओ जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, और इसके बीच कोई एंगल बन रहा है, इसके बीच और इसके बीच मान लेते हैं ये जो मेन मेरा मेन है इसको पहले सही से कर लेते हैं आर के साथ और इसके साथ, आर के साथ मान लेते हैं थीटा 3 लग रहा है, थीटा 3 क्यू के साथ मान लेते हैं लग रहा है थीटा 2 और पी के साथ लग रहा है थीटा पी, और कहता है हम जानते हैं कि मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ इस पॉइंट पे हमें मोमेंट निकालना है। तो इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का, इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। किस जगह हम कहाँ से हम पॉइंट खींचे जहाँ से परपेंडिकुलर इस फोर्स पे पड़ जाए। मान लेते हैं यहाँ से इस पे ये 90 डिग्री बन गया है, इस पे ये यहाँ 90 डिग्री बन गया और इस पे यहाँ ये 90 डिग्री बन गया। सपोज करते हैं ये हुआ मेरा, इस चीज़ के कारण यहाँ पी पी पे जो डिस्टेंस है इसको डी मान लेते हैं, क्यू पे जो है इसको डी टू मान लेते हैं और आर पे जो है इसको डी थ्री मान लेते हैं। और डिस्टेंस यहाँ एस, और एस से यहाँ तक जो पॉइंट बन रहा है मेरा, इस पॉइंट का भी कुछ नाम रख लेते हैं। मान लेते हैं पी के जगह पी पर जो है डिस्टेंस उसको ए, क्यू पर है उसको बी और आर पर है उसको सी लिख लेते हैं। ज्योमेट्री का एक लॉ है जिसमें कहता है कोई लाइन पे, इसका ये एंगल है, किसी लाइन पे यदि परपेंडिकुलर लाइन है और वो कहीं एंगल इस टाइप से बना रहा है तो ये फाई वन बराबर होता है, फाई वन और फाई बराबर होता है। जैसे यहाँ पे ये है और इस पे कोई परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। ये इस लाइन पे आर पे जो है, आर पे जो डिस्टेंस है उसका जो एंगल होगा इस थीटा थ्री और मेन पी का जो है पी वाले पे ये, और आर का जो है ये क्यू का जो है ये थीटा टू, इसका एंगल और इसका एंगल बराबर होगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस एंगल को जो आर पे है, एंगल आर से है थीटा थ्री माने हैं, तो इसी एंगल को इस पे जो डिस्टेंस है इसका जो एंगल बनेगा वो थीटा थ्री ही बनेगा, और जो पी के साथ एंगल है यहाँ पे थीटा जिसको माने हैं वो पी वाला डिस्टेंस पे जो बनेगा एंगल उसको हम थीटा कहेंगे, और ये क्यू है और क्यू से जो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया इसके बीच जो एंगल बनेगा वो क्यू टू बनेगा। उस चीज़ को हम जो इसमें बनेगा एंगल क्यू टू वही यहाँ पे बनेगा, ये एंगल मेरा थीटा टू तो ये एंगल पूरा मेरा थीटा टू होगा। अब आपको इसमें कुछ थ्री ट्रायंगल्स दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ओ एस, ये इस पॉइंट का क्या नाम रखें सी, एस ओ यहाँ पे एस ए ओ, ये एक मेरा ट्रायंगल है और एक है मेरा एस बी ओ, एक है एस सी ओ एस ए ओ एस बी ओ, इस ट्रायंगल को निकाल लेते जैसे है सिर्फ उसी टाइप से निकाल लेते। ये है और इस पे 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा, और एक ये है और इस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, और एक ये है और इस पे 90 डिग्री का बना रहा है। पहला मेरा मान लेते हैं एस ओ सी है, दूसरा मान लेते हैं एस ओ और ये बी वाला जो पॉइंट है बी वाला, ये बी वाला, और तीसरा एस ओ ए वाला पॉइंट मान लेते हैं ये। ये मेरा देखिए सभी फोर्स है, ये चीज़ मेरा फोर्स है, ये मेरा फोर्स है, और फोर्स पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उस पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, और ये मेरा एक एंगल है, इसके साथ सी वाले का साथ सी थीटा थ्री है, और इसके साथ बी के साथ जो बन रहा है वो थीटा टू है, और ये ए पी फोर्स, और ये मेरा आर फोर्स, और ये मेरा क्यू फोर्स है, तो इसमें मेरा थीटा एंगल बन रहा है। बेरिग्नोंस थ्योरम में क्या कहा गया है कि मोमेंट ऑफ क्यू फोर्स प्लस मोमेंट ऑफ आर फोर्स इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट, इस दोनों का जो रिजल्टेंट है पी इसके बराबर होगा। इस फोर्स को तोड़े हैं दो कंपोनेंट में और इसका इसके कारण जो इस पर मोमेंट होगा इसका, और ये इसके सिर्फ सिंगल फोर्स के कारण जो इस पर मोमेंट होगा वो दोनों बराबर होगा, तो बेरिग्नोंस थ्योरम में यही कहा गया है, और इस चीज़ को आप प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इसका और इसका मोमेंट निकालते हैं और इसका सम करते हैं, तो देखते हैं क्या इसका मोमेंट भी निकाल के देखते हैं, अगर बराबर है तो बेरिग्नोंस थ्योरम सही है, नहीं बराबर होगा कैसे, ये तो होना तय कि इसके इसके बराबर होगा, तो इसको समझते हैं। पहले इस दोनों का मोमेंट निकालते हैं उसके बाद इसका मोमेंट निकालते हैं।
एलिमेंट ऑफ क्यू अबाउट एस पॉइंट। इसमें कह रहा है मोमेंट ऑफ क्यू, क्यू फोर्स मेरा ये है एस पॉइंट, एस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना मोमेंट इस फोर्स के कारण एस पॉइंट पे लगेगा। तो हम जानते हैं मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मेरा फोर्स इसमें क्यू है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा डी टू है, ये डी टू इस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये डी टू हम लिख देते हैं। फिर दूसरा है मोमेंट ऑफ आर अबाउट एस पॉइंट। आर अबाउट एस पॉइंट, आर का हो जाएगा फोर्स मेरा आर दिया हुआ है और डिस्टेंस मेरा ये डी थ्री है, तो आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी थ्री है। इसका और इसका सम कर देते हैं एम क्यू प्लस एम आर मोमेंट ऑफ क्यू फोर्स मोमेंट ऑफ आर फोर्स, तो क्यू इंटू डी टू प्लस आर इंटू डी थ्री। एस से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये एस से सी के बीच का डिस्टेंस है मेरा डी थ्री, एस से बी के बीच का डिस्टेंस है मेरा डी टू, और एस से ए के बीच मेरा डिस्टेंस है डी डी। अब डी डी थ्री डी टू डी वन का मान क्या होगा, तो इसमें समझते हैं ये डी थ्री मेरा बेस है और ओ एस मेरा हाइपोटेनियस है और ये मेरा पोल है। तो हम जानते हैं कॉस थीटा, थीटा की जगह मेरा थीटा थ्री है, कॉस थीटा इक्वल टू ये बेस बाय हाइपोटेनियस डी थ्री बाय एच। एच नहीं लिखे हम इसका ओ एस, या ओ एस सिर्फ नाम लिख लेते हैं। अब देखिए कॉस थीटा थ्री इक्वल टू डी थ्री बाय ओ एस, तो मेरा डी थ्री इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा थ्री इंटू ओ एस। सेम इसमें भी वही हो जाएगा और इसमें भी वही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्यों मेरा कोई फोर्स है और इसमें डी टू का मान क्या हो जाएगा ओ एस, ये मेरा हाइपोटेनियस है ओ एस इंटू कॉस थीटा टू प्लस इसमें ओ, ये मेरा पहले आर एक फोर्स है और डी थ्री का मान हो जाएगा ओ एस कॉस थीटा थ्री, कॉस थीटा थ्री। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे ये मेरा एक्स डायरेक्शन और यहाँ वाई डायरेक्शन, कोई मेरा फोर्स है मान लेते हैं एफ, अगर इसको हम तोड़ते हैं ये किसी एंगल पर लग रहा है, इसको एक्स और वाई डायरेक्शन में तोड़ते हैं तो इसको क्या लिखते हैं एफ कॉस थीटा और इधर एफ साइन थीटा, वाई डायरेक्शन में एफ साइन थीटा एंड ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा लिखते हैं। यहाँ पे यही चीज़ समझना है, एफ कॉस थीटा को एक्स डायरेक्शन में है मेरा, एक्स डायरेक्शन में एफ यहाँ पे क्यू कॉस थीटा टू है तो इसको हम क्यू कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स इंटू ओ एस, तो ओ एस रहने देते, ओ एक्स एक्स डायरेक्शन में लिख सकते हैं इसको क्यू एक्स इन प्लस इंटू ओ एस। इसी प्रकार यहाँ पे आर एक्स इंटू ओ एस लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, ओ एस मेरा कॉमन आ जाएगा और क्यू एक्स प्लस आर एक्स बच जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं ये भी, ये कोई मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो कोई भी चीज़ अगर एक्स एक्सिस में चार है प्लस पाँच है तो दोनों जुट जाता है, तो इस चीज़ को हम क्यू एक्स प्लस आर एक्स मेरा एक रिजल्टेंट है पी, इसको क्यू एक्स प्लस सम हो जाता है क्यू एक्स प्लस आर एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको पी एक्स, क्योंकि एक ये भी क्यू डायरेक्शन में है, ये एक्स डायरेक्शन में ये भी है और आर भी एक्स डायरेक्शन में है, तो इस दोनों का सम कर देंगे तो इस सम मीन्स इसका रिजल्टेंट होता है, दोनों का सम मीन्स इसका रिजल्टेंट हो जाता है, क्यू प्लस आर जुट के पी एक्स हो जाता है। इसको लिख लीजिए, अब आगे इसको मिटा के बताते हैं। यहाँ पे मेरा मोमेंट ऑफ क्यू, क्यू के कारण जो मोमेंट हुआ और फोर्स आर के कारण जो मोमेंट हुआ उसका यहाँ पे मोमेंट निकल गया है। अब मोमेंट निकालते हैं पी के कारण, हम पी के कारण, तो हम जानते हैं मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इंटू
फोर्स मेरा यहाँ पे पी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा यहाँ पे डी है, पी इंटू डी। पी और डी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ एस कॉस, इसका एंगल है सिर्फ थीटा। ये जो पी पे बना है एंगल, ये है सिर्फ कॉस थीटा। फिर वही बात, पी कॉस थीटा इंटू ओ एस। पी कॉस थीटा मेरा किस डायरेक्शन को कहते हैं, पी, और इस डायरेक्शन में मेरा एक्स एक्सिस में, जिसको पी एक्स कह सकते हैं, और ओ एस यहाँ पे ओ एस मोमेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स पी के कारण इतना हुआ, और मोमेंट जो क्यू फोर्स और आर के कारण जो इतना हुआ, दोनों यहाँ पे बराबर है, ये ओ एस पी एक्स। यही हम लोगों को प्रूव करना था कि सिंपल जो रिजल्टेंट है फोर्स, मेन रिजल्टेंट फोर्स जो पी के कारण जो मोमेंट होगा यहाँ पे, वही अगर इसका जो कंपोनेंट फोर्स है क्यू और आर के कारण जो मोमेंट होगा, दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर है।